मैं भवननाथ पासवान डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। स्वतंत्रता दिवस पर जिला मंडल प्रदेश व देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद। जो हुआ है उनके पीड़ितों को 30-30 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए, जो घायल है उनको 10-10 लाख रुपया, जो मामूली घायल है उनको 5-5 लाख रुपया, और कृषि योग्य जमीन 5-5 एकड़ उनको पट्टा दिया जाए। जी बोलिए। लोकतांत्रिक जनता दल अध्यक्ष जी, यहाँ पर आज क्यों प्रदर्शन हो रहा है? प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि हमारे नेता माननीय शरद यादव जी ने सोनभद्र में जो इतना बड़ा नरसंहार हुआ उसके विरोध में पिछले 27 तारीख को हम लोगों ने यही गांधी जी के प्रतिमा के नीचे धरने पे बैठे थे और ये मांग किया गया था कि 30 लाख रुपया मृतकों को मुआवजा दिया जाए और जो गंभीर घायल हैं उनको 10-10 लाख रुपया, जो मामूली घायल हैं उनको 5-5 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए और कृषि योग्य भूमि जिससे वो खेती किसानी करके अपने जीविका की पालन कर सकें, 5-5 एकड़ जमीन उनको पट्टा दिया जाए और CBI से इसकी जांच कराई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में कराई जाए जिससे पीड़ितों को न्याय मिल सके। उन्नाव में जो रेप कांड हुआ है, भाजपा के विधायक और उनके भाई उनके सहयोगियों ने जो पीड़िता के परिवारों को इस तरीके से टॉर्चर करके उनके चाचा को फर्जी मुकदमा लगाकर उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर पुलिस वालों ने जेल भेजा है, उसकी भी CBI से जांच कराई जाए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए और इस तरीके से बढ़ते हुए जुबैर साहब घटनाएं बहुत हो रही हैं, कोई लगाम नहीं लग पा रही है इस पे, तमाम प्रदर्शन भी हो रहे हैं। उसी कड़ी में हम लोगों ने भी ये प्रदर्शन के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराने का काम कर रहे हैं और राष्ट्रपति जी से ये मांग कर रहे हैं, राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने के माध्यम से, कि पूरे तरीके से कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ध्वस्त हो चुकी है जी। इनका कोई लगाम शासन और प्रशासन का नहीं रहा। वो बढ़ते हुए अपराध, दलितों पे हो रहे अत्याचार, बलात्कार, छिनैती, राहजनी, जितने भी बेरोजगारी पूरी तरीके से चरम सीमा पर है, इसके खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन देने का काम कर रहे हैं। हमारे पाल जुबैर साहब, क्या कोई ज्ञापन आपने सौंपा है? ज्ञापन हम राज्यपाल को अभी सौंपेंगे जी। ठीक। और सब आज का जो धरना है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह की हत्याएं और रेप की घटनाएं हो रही हैं जी, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से इन्वॉल्व हो रहे हैं, वह इतना ज़्यादा शर्मनाक है कि आज तक की राजनीति में कभी ऐसा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो योगी जी, जो खुद को योगी हैं, लेकिन जितने योगी हैं उनके पक्ष सबको संरक्षण दे रहे हैं। इसलिए लोकतांत्रिक जनता दल अपना विरोध प्रकट करती है और मांग करती है कि जल्दी से जल्दी। Gracias.